हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस कर चुके हैं। 27 से स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या हमारे पास ये है, बेंजीन पर क्या है, N2Cl है, एंड देन रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ Cu। तो क्या हो रहा है, N2 निकल रहा है प्लस ये आ रहा है, ठीक है। नाउ ये जो रिएक्शन है, ये कौन सा ऑर्डर है, तो देखो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि जो हाफ लाइफ है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो हाफ लाइफ पीरियड अगर एक ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये एक इस तरह से ए हो गया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो इनिशियली हम बोलते हैं यार टाइम टी इक्वल टू जीरो पर इसके मोल्स ए हैं, इसके जीरो जीरो, देन टी टाइम पर इसका एक्स मोल रिएक्ट हो गया, इसका एक्स मोल बनेगा, इसका एक्स मोल बनेगा, एंड टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जीरो, ये ए और ये ए। अब देखो हमें पता है कि वॉल्यूम का, सॉरी नाइट्रोजन का वॉल्यूम क्या है एट टाइम टी, और नाइट्रोजन का वॉल्यूम क्या है एट इन्फिनिटी, ये दोनों वॉल्यूम पता है, ठीक है। सो नाउ हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है या नहीं है, ठीक है। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो हम यहां से साफ साफ देख सकते हैं कि यार एक्स अपॉन ए, मतलब ये क्या है बेसिकली, हम ऐसे बोल रहे हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब वॉल्यूम का जो रेशियो है, हम बोल सकते हैं वी वन बाई वी टू इज नथिंग बट एन वन बाई एन टू,
ठीक है. सो वॉल्यूम का रेशियो इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो. तो अगर हम यहाँ पर x by a लिखते हैं तो x by a क्या हो गया हमारे पास, या a by x क्या हो गया, कुछ भी ले लो. तो a by x क्या हो गया, a by x हमारे पास आ गया. ठीक है, जब हमारे पास इनफाइनाइट है तो मोल्स कितने a हैं, तो उस टाइम पे वॉल्यूम कितना है, बिकॉज वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो v1 by v2 is n1 by n2. तो a by x कितना हो जाएगा, a by x will be 50 by 10. ये हम बोल सकते हैं a is equal to, यहां से क्या आ गया, 5x आ गया. ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए k, जो कि क्या होगा, 2.303 अपॉन t log of a अपॉन a माइनस x. तो a की जगह अगर हम 5x यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते तो क्या आएगा भाई, ये अगर हमने a की जगह 5x सब्स्टिट्यूट किया तो इट विल बी 2.303 by t. t कितना है, टाइम कितना दिया, 10 मिनट. ओके, तो टाइम इज 10 मिनट, लॉग ऑफ a, a इज 5x डिवाइड बाय 5x माइनस x. तो ये क्या आ गया, दिस इज 2.303 अपॉन 10 लॉग ऑफ 5 बाय 4 या 1.25. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 27. ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28. तो क्वेश्चन नंबर 28 में हमें क्या दिया रे, इट इज गिवन एज माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू 1/3. मीन्स ऑर्डर क्या है, एन अपने पास आ गया 1/3. एन याद है, हमने एन ऑर्डर का तुम्हें एक्सप्रेशन बताया था. तो यहां पर एन की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई. नाउ हमें हाफ लाइफ पीरियड ढूंढना है, टी आर. तो टी आर का फॉर्मूला क्या लिखाया था हमने, हमने लिखाया था 2 raised to n minus 1 अपॉन के इंटू एन माइनस वन इंटू ए नॉट रेज टू एन माइनस वन, ये लिखवाया था ना. ओके, सो यहां पर हमें एन की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, 1/3 सब्स्टिट्यूट करनी है. ओके, सो एन की वैल्यू अगर हम 1/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट विल बी 2 raised to 1/3 minus 1 अपॉन के इंटू 2/3 minus 1 इंटू ए नॉट रेज टू 2/3 minus 1. तो क्या आएगा ये, तो ये हमारे पास हुआ 2 raised to minus 2/3 minus 1 अपॉन के इंटू माइनस 1/3 देन ए नॉट रेज टू सॉरी यस दिस इज 1/3 एन की वैल्यू 1/3 सॉरी सो एन की वैल्यू अपने पास 1/3 है या तो क्या हो जाएगा इट विल बी -2/3 एंड ए नॉट रेज टू ये आ गया -2/3 ऑब्वियसली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 raised to 2/3 minus 1 अपॉन के इंटू -2/3. यस, ये फॉर्मूला याद रखना था, मैंने बताया भी था. अदरवाइज तुम्हें मतलब अगर फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली इसे क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा. तो पहले इक्वेशन बनानी होगी इंटीग्रेट करके एंड देन टी ऑफ निकालना होगा. इसके साथ साथ ए नॉट रेज टू 2/3 ऊपर आ गया नेगेटिव पावर की वजह से. तो ये क्या हो गया भाई, तो टी हाफ विल बी नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव साइन हट जाएगा अगर हम इसको लिख देंगे 2 raised to 2/3 minus 1 अपॉन के इंटू, अच्छा इसके साथ साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा 3/2 से. यस, देन 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ और नीचे भी आ गया हमारे पास 2 raised to 2/3. सो बेसिकली नीचे अगर 2 raised to 2/3 आ रहा है तो ऑलरेडी ये 2 है, तो 2 उसके साथ में जाके क्या हो जाएगा, मैचिंग एक्सप्रेशन कौन सा लग रहा है वैसे, आई थिंक सी ऑप्शन मैचिंग लग रहा है ना. यस, सी ऑप्शन आई थिंक मैचिंग है. सो ये वाला पार्ट हुआ एक तो, एंड इसके अलावा 2 raised to 2/3
एंड ए नॉट रेज टू 2/3. तो कौन सा ऑप्शन मैचिंग है? सी है ना, देखो ये सी वाला ही हुआ ना, 3/2 इंटू ए नॉट रेज टू 2/3 माइनस 1 अपॉन के 2 रेज टू 2/3, इसके साथ साथ ए नॉट रेज टू 2/3, सी ऑप्शन हो गया है ना. ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. So 29 में क्या, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ 1, 2 एंड 3 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन कौन से करेक्ट है. ओके, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, करेक्ट है ना, ये तो याद है. एक्स इज इक्वल टू क्या आता था, केटी आता था ना. ओके सो दिस इज करेक्ट, फर्स्ट वाला करेक्ट है. लार्जर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ग्रेटर इज द हाफ लाइफ पीरियड, ये भी करेक्ट है. बिकॉज टी आप क्या होता था, टी आप वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट था कि नहीं था. क्या था टी आप का वैल्यू, टी आप था ए नॉट अपॉन 2k था ना, ठीक है. सो ए नॉट इज डायरेक्ट, मतलब टी आप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट. इसके अलावा इफ 50% रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 100 मिनट, 75% रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 150 मिनट. तो देखो मतलब वो क्या बोल रहा है कि अगर हम यहां पर देखें तो ए नॉट माइनस ए, ठीक है, ए नॉट को हम ए ले लेते हैं, या चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि इनिशियल हमारे पास क्या है. देखो पहले रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है. सो पहले तो बात कर रहा है एक तरह से हमें 50% रिएक्शन होने की, मतलब कि हाफ लाइफ पीरियड है ना. सो हाफ लाइफ पीरियड हमें वो क्या दे रहा है, सो टी हाफ दैट इज ए नॉट अपॉन 2k. So this is given as 100 minute. Okay. So यहां से k क्या आ गया, k is a naught upon 200. Okay. ये हमारे पास k है. तो इसको अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे इस वाले एक्सप्रेशन में तो क्या आएगा यार, तो वो क्या बोल रहा है, 75% रिएक्शन हो गया. तो 75% रिएक्शन हो गया तो कितना बचा, 25% बचा ना रिएक्टेंट. मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं a naught by 4, a की जगह is equal to a naught माइनस के टी. तो के की जगह लिख देंगे ए नॉट अपॉन 200 इंटू टी. तो यहां से ए नॉट इंटू टी अपॉन 200 क्या आ गया यार, इट विल बी 3/4 टाइम्स ऑफ ए नॉट, ठीक है. सो टी क्या आ जाएगा, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट, तो टी विल बी 200 इंटू 3/4, कितना आ गया ये 150 मिनट आया ना. तो यस करेक्ट है. ओके सो यहां पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन ऑप्शन करेक्ट है, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया. ठीक है और वैसे भी इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं यार कि हमारे पास कॉन्स्टेंट रेट से हो रहा है, ठीक है. इसको करने का दूसरा एक और तरीका है लास्ट वाले ऑप्शन को करने का, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है कांस्टेंट रेट से हो रहा है. तो 50% पार्ट अगर 100 मिनट में रिएक्ट कर रहा है तो 70% पार्ट कितने में करेगा, ऑब्वियसली 150 मिनट में करेगा. समझ आया नहीं आया. ओके अगर 50% रिएक्शन 100 मिनट में हो रही है तो 75% रिएक्शन कितने हो जाएगी, 150 मिनट में. क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है. ओके तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, बाकी फॉर्मूला से हमने करके बता दिया तुम्हें. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 29. देन क्वेश्चन नंबर 30. रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हमने तुम्हें ऑलरेडी बताया है रेट क्या है हमारे पास, माइनस डी ओवर डी टी इज इक्वल टू के, ये है ना. तो क्या हो जाएगा रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट, तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, जो रेट का यूनिट है, मतलब मोल पर लीटर पर सेकंड. ओके तो मोल पर लीटर पर सेकंड ऑब्वियसली दैट इज बी ऑप्शन,
which is molar per second, है ना? It is nothing but molar per second. So this is question number 30. Then question number 31. 31 is again zero order reaction. So for the reaction, A gives product minus D or DT equal to K, and at different time interval, A values are given like this. At 20 minutes, rate will be. So obviously it is zero order reaction. ठीक है? तो zero order reaction है, तो minus D over DT क्या है भाई? It is K, constant है ना? तो अगर हमें K की value मिल गई, अगर हमें K की value मिल गई, तो हमें क्या मिल जाएगा? Order मिल जाएगा ना? Okay, okay, sorry, मैंने देखा नहीं. 30 वाला बाकी ऑप्शन मैंने नहीं देखे. तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रेट हमारे पास क्या है? 30 में मोलार पर सेकंड है, बट हमने बाकी ऑप्शन देखे ही नहीं. एक्चुअली ए ऑप्शन क्या है? एटीएम पर मिनट. तो ऑब्वियसली अगर हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को किससे रिप्लेस करें? प्रेशर से रिप्लेस करें. ओके, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या आ सकता है? प्रेशर आ सकता है. तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. एटीएम पर मिनट या पर सेकेंड कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इसके अलावा सी ऑप्शन क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड की बजाय ऑब्वियसली पर आवर भी हो ही सकता है. ठीक है, पर मिनट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो मोल पर ऑब्वियसली डी ऑप्शन आएगा उसमें. बाकी ऑप्शन देखे नहीं थे. ठीक है, सो ए बी सी तीनों करेक्ट है. यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 31. तो अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया, माइनस डी ओवर डीटी इक्वल टू के है ना, तो ऑब्वियसली रेट अगर कांस्टेंट है के, दैट इज नथिंग बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन. और डिफरेंट टाइम पर हमें ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया, तो हमें रेट निकालना है 20 मिनट पर. तो ऑब्वियसली रेट इज नथिंग बट माइनस डी ओवर डीटी है ना. रेट इज माइनस डी ओवर डीटी, या फिर यहां पर क्या कॉन्सेंट्रेट से हो रहा है?
हेलो या सो हम क्या बता रहे थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जो है वो क्या के है। तो अगर यहाँ पर हमें बेसिकली के निकालना है, तो के कैसे निकाल सकते हो, तो तुम्हें अलग अलग टाइम पर क्या दिया है, अलग अलग टाइम पर तुम्हें कंसंट्रेशन दिया है, तो उसको यूज करके ऑब्वियसली ए निकाला जा सकता है। तो याद है एक्सप्रेशन क्या था जीरो ऑर्डर के लिए, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी ना। तो यहाँ से के क्या आएगा, के विल बी ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, ये हो जाएगा ना। तो तुम्हें के ही निकालना है, वही रेट हो जाएगा। तो व्हाट विल बी के, सो ए नॉट कितना है, ए नॉट इज 20 माइनस ए कितना है, किसी भी टाइम पर ले लो, मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं 10 मिनट पर ले लेते हैं। तो इनिशियली हमें याद रखना, देखो 5 मिनट पर दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 मिनट से 10 मिनट हुआ, मतलब टाइम कितना लेंगे, 5 लेंगे। तो 20 से कितना हुआ, 18 हो गया, एंड टाइम कितना लगा, 5 लगा। सो ये कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, एंड दैट विल बी 0.4 मोल पर मिनट, ठीक है। 0.4 मोल पर मिनट हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। सो इफ ए इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड ए माइनस एक्स इज द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो क्या था एक्सप्रेशन, देखो क्या था, ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के टी, था या नहीं था, था ना ये। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए एज ए माइनस एक्स एंड ए नॉट एज ए ई रेस टू पावर माइनस के टी। तो क्या फर्स्ट वाला पार्ट आ रहा है क्या, देखते हैं। सो यहाँ से देखो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स को राइट हैंड साइड लेके गए थे, तो इससे हमारे पास ये आया। तो एक्स क्या हो गया, एक्स इज ए इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस ए। क्लियर है? सो दिस इज करेक्ट। इसके अलावा सेकेंड वाला पार्ट जो है वो क्या है, इट इज ए माइनस एक्स अपॉन ए, दैट इज नथिंग बट ए अपॉन ए नॉट, ये हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन रिमेनिंग। ओके, तो फ्रैक्शन रिमेनिंग क्या था, याद आया, हाफ लाइफ पीरियड के टर्म्स में हमने बताया था ना, फ्रैक्शन रिमेनिंग इज 1/2 रेस टू हाफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ, दिस वाई इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ओके, नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होगा, टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड, तो वो दिया हुआ है उन्होंने, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन क्या है, मतलब थर्ड वाला क्या है, रेट कॉन्स्टेंट, इट इज 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये तो हमें पता करेक्ट होता ही है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट है, मीन्स डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 32। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीटेड इन 90% इन 90 मिनट एंड इट इज कंप्लीटेड 50% इन। तो देखो यहाँ पर पहले हमें के निकालना है, सो के विल बी 2.303/t। टी कितना दिया भाई, टी दिया है 90 मिनट, एंड लॉग के अंदर क्या आएगा, 90% कंप्लीट हुआ, सो 100 अपॉन कितना बचा, 10% बचा, है ना। सो 100/10 ऑब्वियसली ये क्या हो गया, नथिंग बट 10, सो लॉग 10 इज 1, तो ये क्या आ गया, 2.303 अपॉन 90। नाउ क्या निकालना है, 50% रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, मीन्स टी हाफ। ओके, सो टी हाफ इज 0.693 अपॉन के, के को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो 0.693 अपॉन के मीन्स 2.303 एंड 90 ऊपर चला गया। तो देखो ये कैंसिल आउट होके कितना टाइम्स कैंसिल आउट होगा, ये दिस इज नथिंग बट 2.303 इंटू 0.3, याद आया ln 2 है, so 2.303 into 0.3 है, so multiply हो गए 0.3, है ना, so 0.3 times cancel out हो गया है, तो कितना आ गया है, this is nothing but 27 minute। Okay, so this was question number 33। Now question number 34,
which graph represents first order reaction out of the 1, 2 and 3? Okay. So, हमें पहला दिया है log of a minus x versus time. So, log of a minus x versus time मतलब a minus x क्या है basically? It is log a, है ना, capital A. So, याद आया क्या था हमारे पास? तो हमारे पास देखो ये होता है log of a upon a minus x is equal to यहाँ पर 2.303 upon t है is equal to k. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? We can write it as log a minus x is equal to kt upon 2.303. But हमें ग्राफ किस में बनाना है? Log a minus x में बनाना है. तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log of a minus x is equal to minus kt upon 2.303 plus log a. ओके, इस टाइप से इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं. तो यहां से देख सकते हैं कि log of a minus x वर्सेस t वाला जो ग्राफ है, ऑब्वियसली वो कैसा आएगा? नेगेटिव स्लोप वाला आएगा. स्लोप क्या होगी इसकी? स्लोप विल बी माइनस के अपॉन 2.303. ओके, तो ये इसकी स्लोप हो जाएगी. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 34. अच्छा, बाकी भी हमें चेक करना है. तो बाकी ऑब्वियसली फर्स्ट वाली इक्वेशन से ही हम चेक कर सकते हैं. तो एक हमें बनाना है लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स वर्सेज टी. तो वो क्या हो जाएगा? तो हमारे पास log of a upon a minus x is equal to क्या हो जाएगा? It will be 2.303, sorry उल्टा लिख दिया, it will be 2.303 k into t divided by 2.303. ठीक है. तो यहां से log of a upon a minus x वर्सेस टी कैसा आएगा? दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू mx टाइप ग्राफ ना. ठीक है, तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप. ओके, सो अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हम बोल सकते हैं वैसे, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा. ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, तो ऐसा आना चाहिए. ओके, इस टाइप से होना चाहिए. ऑब्वियसली स्लोप इसकी क्या हो जाएगी? स्लोप विल बी के अपॉन 2.303. एंड एक है लॉग, सॉरी, एक है t50 वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन. तो हमें पता है हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है, है ना. सो टी हाफ वर्सेज कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ कैसा होगा? कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लो. ओके, हमारे पास टी हाफ क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ पर सेकेंड वाला जो ग्राफ है वो एक्चुअली रॉन्ग लग रहा है. क्यों? क्योंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन शुड बी 1 and 3. मतलब कौन सा हुआ? डी ऑप्शन करेक्ट होना. ठीक है, सेकेंड वाले में मिस्टेक क्या है? वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया. ओके, सो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इट शुड बी करेक्ट. Behind it is given as a, तो वो रॉन्ग दिया है क्योंकि उन्होंने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया. वो मे बी उन्होंने ओरिजिन से मान लिया उसको, बट जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है. तो आंसर करेक्ट डी होना चाहिए. ठीक है, अगर ओरिजिन से होता देन ऑब्वियसली ए करेक्ट हो जाता. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. T50 means half life period of first order reaction is 10 minutes. ठीक है, कोई first order reaction उसका half life period 10 minute है. तो K क्या हो गया? K 0.693 upon T half. हम बोल सकते हैं 0.693 upon 10 या फिर 0.069.
तो ये के की वैल्यू आ गई, ठीक है, यूनिट विल बी मिनट माइनस वन। तो हमें क्या निकालना है, स्टार्टिंग विथ 10 मोल पर लीटर रेट आफ्टर 20 मिनट। तो देखो रेट आफ्टर 20 मिनट है, तो आफ्टर 20 मिनट नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो गए यार, 20 मिनट में कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे, ऑब्वियसली 20 डिवाइड बाय 10, तो कितने हाफ लाइफ हो गए, दो। तो फ्रैक्शन रिमेनिंग क्या होगा, फ्रैक्शन रिमेनिंग विल बी 1/2 raised to 2, या हम बोल सकते हैं 1/4, ठीक है। सो ए जो है इट विल बी a0/4, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, a0/4 हो जाएगी, एंड ए नॉट कितना दिया है हमें, 10 दिया है, 10/4 दैट इज नथिंग बट 2.5। तो ए हमारे पास आ गया 2.5, तो हमें क्या निकालना, रेट। सो रेट इज नथिंग बट k into a, तो k की वैल्यू क्या है, k 0.0693, एंड ए कितना आया, इट इज 2.5, ओके। तो ऑब्वियसली इट इज मोल पर लीटर पर मिनट, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, बी ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर सेम। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर दोनों का हाफ लाइफ सेम बोल रहा है, तो हाफ लाइफ जो है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है, इट इज 0.693/k। अच्छा, के दोनों का ऑब्वियसली क्या है, अलग है, तो इसको मैं लिख देता हूँ के ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना, मतलब के वन लिख देता हूँ, एंड टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर क्या होगा, टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर क्या है भाई, इट इज ए नॉट, ए नॉट को चलो ए ले लेते हैं, अपॉन टू के, इसके के को हम के नॉट ले लेते हैं, ठीक है, जीरो ऑर्डर है। तो वो क्या बोल रहा है, दोनों सेम है, मतलब 0.693/k1 इज इक्वल टू ए अपॉन टू के नॉट, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ रेट एट द स्टार्टिंग निकालना, ओके। तो फर्स्ट ऑर्डर, तो यहां से देखो के वन अपॉन के नॉट क्या हुआ यार, यहां से के वन अपॉन के नॉट हो गया 2 × 0.693/a, ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ रेट का रेशियो क्या होगा, तो आर वन अपॉन आर वन, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर का रेट का रेशियो निकाल रहे हैं, बिकॉज हमें जो हाफ लाइफ दिया वही फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर का दिया, पहले फर्स्ट ऑर्डर लिखा है फिर जीरो ऑर्डर लिखा है, तो रेशियो भी हम क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर टू जीरो ऑर्डर निकाल रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट क्या होगा, इट इज के वन इंटू ए, एंड जीरो ऑर्डर का रेट क्या हो जाएगा, इट इज जस्ट के नॉट, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो के वन इंटू ए अपॉन के नॉट, देखो यहाँ से क्या आ गया, अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज नथिंग बट 2 × 0.693, है ना, मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। So this was question number 36. Now 37. So dx over dt means rate is equal to k into a raised to 3. So obviously कौन सा हुआ, थर्ड ऑर्डर हो गया ना, तो a और a माइनस एक्स वगैरह का रिलेशन क्या होगा, तो अगर तुम्हें याद हो तो हमने क्या बताया था कि 1/a^n-1 था पावर में, ओके। सो n माइनस वन पावर में था, तो यहाँ पर n माइनस वन क्या हो गया, 3-1, एंड बार क्या था, बार था 1/n-1 मीन्स 3-1, माइनस 1/a0 raised to n-1 मीन्स 3-1 इज इक्वल टू k इंटू t, यही था ना। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, दिस इज 1/a^2 माइनस 1/a0 raised to 2 इज इक्वल टू 2k into t। सो कौन सा करेक्ट हुआ, यस बी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना, t क्या आ जाएगा, इधर से t आ जाएगा 1/2k, इसके अलावा अंदर क्या आ जाएगा, 1/a² या ऑब्वियसली इसको लिख सकते हैं a माइनस x का स्क्वायर,
माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। सो कौन सा करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके थ्री माइनस वन क्यों किया यार? ये फॉर्मूला है, nth ऑर्डर का फॉर्मूला है सार्थक। ठीक है, nth ऑर्डर का फॉर्मूला यूज किया हमने, तो nth ऑर्डर के फॉर्मूले में हमने n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ईशान देखो, हमारा हम तो पूरा चैप्टर करा देंगे, तो तुम ट्राई करो पूरा चैप्टर फिनिश करने की, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर नहीं आएगा, क्योंकि काफी बैचेज में नहीं हो पाया है। ओके, सो मोस्टली पैरेलल एंड सीरीज वाला पार्ट भी नहीं आएगा, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट भी नहीं आएगा सर, बट फिर भी ट्राई करो फिनिश करने का पूरा, ठीक है। Now, so this was question number 37. question number 38. Half-life period of third order reaction. Sir, third order reaction का half-life period क्या होगा? तो formula में substitute करो 2 raised to n minus 1. means 3 minus 1 minus 1 upon n minus 1 into k into a naught, यहाँ पर a naught की जगह small a दिया है, तो a raised to n minus 1, तो क्या आया ये? So this is nothing but 2 raised to 2, है ना? means 4 minus 1 means 3 upon 2 into k into a square. ओके, सो कौन सा हो गया ये? ऑब्वियसली दिस इज बी ऑप्शन, 1.5 अपॉन के ए स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो देखो हमें ऑब्वियसली रेट को हम क्या लिख सकते हैं, रेट को हम लिख सकते हैं माइनस वन बाय टू डी एन ओ ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओ ओवर डी टी इज इक्वल टू डी एन ओ टू ओवर डी टी, वन बाई टू भी आएगा ऑब्वियसली, एंड यहां पर भी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास रेट हो गया। नाउ दिस रेट शुड बी इक्वल टू के इंटू, अब देखो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर में थ्री आना चाहिए, तो देखो एनओ की पावर में टू दिया, ओ टू की पावर में टू दिया, ओके, तो एनओ की पावर में टू एंड ओ टू की पावर में वन, ये दिया हमें। तो कौन सा मैच कर रहा है यार, कौन सा मैच कर रहा है इसको? माइनस डी एन, ऑब्वियसली बी मैच कर रहा है ना। अब यहाँ पर बी मैच क्यों कर रहा है, देखो ये जो टू है ना, ये के साथ एक नया कॉन्स्टेंट बना लेगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो कौन सा मैच किया, बी तो मैच कर ही रहा है, ऑब्वियसली सी तो हमारे पास सेटिस्फाई रहेगा ही,
तो बी एंड सी दोनों करेक्ट है ना, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी आ जाएगा। यस ऑब्वियसली, तो सर वो भी करेक्ट हो सकता था, एनओ की पावर में वन हो और ओ टू की पावर में टू हो, टोटल ऑर्डर थ्री होना चाहिए। अभी हमें थोड़ी पता है, तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा कि किसकी पावर में क्या है। जस्ट उसने क्या बोला कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो थर्ड ऑर्डर ये कैसे भी हो सकता है, हो सकता है एनओ की पावर वन एंड ओ टू की पावर टू, कैसे भी हो सकता है। ओके तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सी तो हमारे पास करेक्ट वैसे आ ही रहा है अपने आप, जब हम सभी का रेट सेम करेंगे तब, and that rate should be equal to obviously k into n o raised to 2 and o 2 raised to 1. Okay, so this was question number 39. Now next question. Yes, Ishan, yahan par hum ऑब्वियसली जैसे उन्होंने दिया हुआ है उसी उसके अकॉर्डिंग हम यही बोलेंगे कि इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि जो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन है वही पावर में आ रहे हैं। और ये क्या होता है, जब हमारे पास क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, तो फॉर ए रिएक्शन 2A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, द रेट लॉ इज माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के इन टू ए, मीन्स इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी एट टाइम वेन टी इक्वल टू वन बाई के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज। तो देखो हमारे पास वो बोल रहा है टाइम क्या है 1/k है, तो यहाँ से हम साफ साफ ऑब्वियसली इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा, इट विल बी ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के टी। तो सी नॉट को अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लें एंड टाइम क्या बोल रहा है, वो टाइम वो बोल रहा है 1/k, तो टाइम को अगर 1/k सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट सी नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस वन। ये हम बोल सकते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन है ए का वो कितना हुआ, इट विल बी सी नॉट अपॉन E. ओके, तो ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, तो 41 में क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इन ए फर्स्ट ऑर्डर इज रिड्यूस टू 1/E² ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो 1/E² हो गया अपने पास ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर कितना टाइम। ओके, तो देखो ए की वैल्यू उन्होंने क्या बोला है, ए की वैल्यू है 1/E² टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ए नॉट, ए की वैल्यू उन्होंने ये दे दी हमें, तो ए की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऑब्वियसली, तो इसको हम लिख देंगे ए नॉट अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के टी, तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज ई रेस टू पावर माइनस टू इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के टी, तो ऑब्वियसली के टी की वैल्यू क्या आ गई, के टी आ गया अपने पास टू, तो टी कितना आ गया, टी इज नथिंग बट 2/k, तो टाइम क्या है, टू टाइम्स ऑफ 1/k। ओके, टाइम कितना आया, टू टाइम्स ऑफ 1/k एंड 1/k उन्होंने बोला है कि नेचुरल लाइफ है। ओके, तो यहां पर कितने नेचुरल लाइफ आ गए, दो नेचुरल लाइफ आ गए। वन बाई के को क्या बोल रहा है, नेचुरल लाइफ बोल रहा है, तो टाइम टेकन इज टू नेचुरल लाइफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 42,
for a reaction graph between log t 50 and log a is a straight line parallel to x axis and order is yaad hai log t half log 50 matlab log t half versus log a ka graph jab hum banate the to slope kya aati thi yaad aaya kuch स्लोप था इसका n माइनस वन सॉरी वन माइनस n तो यहां पर स्लोप जो है वो क्या है वो बोल रहा है कि इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस मतलब वन माइनस n की वैल्यू क्या है जीरो तो n की वैल्यू क्या हुई वन हो गई ना ओके तो ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन ठीक है या फिर हम देख सकते हैं यार log t हाफ वर्सेज लॉग ए जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है मतलब ए को वेरी करने पर जो टी आफ है वो चेंज ही नहीं हो रहा है तो ए को चेंज करने पर टी आफ चेंज नहीं हो रहा मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि टी आफ जो है इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन तो टी आफ इंडिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन कौन से ऑर्डर में होता है ऑब्वियसली इट इज फर्स्ट ऑर्डर ओके ठीक है तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सेकंड मेथड क्या बताया हमने सेकंड मेथड बताया है कि लॉग ऑफ टी हाफ वर्सेज लॉग ए इज लाइक दिस है ना तो हम यहां से बोल सकते हैं कि टी हाफ जो है ये क्या है इंडिपेंडेंट ऑन ए और ये कब होता है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर ओके तो इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 43 तो 43 में हमें दिया है इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द ए अपॉन ए माइनस एक्स वाज फाउंड टू बी 8 आफ्टर 10 मिनट द रेट कॉन्स्टेंट इज तो देखो के क्या है के इज 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स तो वो क्या बोल रहा है कि 10 मिनट के बाद इसकी जो वैल्यू है ये क्या है 8 है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे इट इज 2.303 अपॉन टी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की 10 लॉग के अंदर आ गया 8 करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ ऑब्वियसली लॉग 8 को हम क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट इट एज 8 को 2 रेस टू 3 लिख सकते हैं 3 आगे आ जाएगा सो 2.303 इंटू 3 लॉग 2 अपॉन 10 ओके दैट इज नथिंग बट विच ऑप्शन ए ऑप्शन ना यस ए ऑप्शन ओके देन क्वेश्चन नंबर 44 इफ ए रिएक्शन विथ टी हाफ इज इक्वल टू 69.3 सेकेंड एज ए रेट कॉन्स्टेंट 10^-2 सेकेंड माइनस वन ठीक है देखो के जो है वो क्या है 10^-2 सेकेंड माइनस वन है तो यार यहीं से हमें पता चलना चाहिए कि सेकेंड माइनस वन है तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ इट इज फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट से हम बता सकते इट इज फर्स्ट ऑर्डर ठीक है That's it. बाकी की हमें जरूरत ही नहीं ओके मतलब यहां पर वो टी आफ अगर नहीं भी देता एंड जस्ट रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू दे देता तो भी हम बता देते कि कौन सा है फर्स्ट ऑर्डर Now question number 45.
सो 45 में क्या बोला था, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 2×10^-2 मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से हम देख सकते हैं के का वैल्यू जो है वो हमें दिया, सब ऑर्डर उन्होंने वैसे दिया ही हुआ ऑलरेडी. तो 2×10^-2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड इज दिस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मस्ट हैव बीन. तो यार ए इज इक्वल टू क्या है, ए नॉट माइनस के टी है. तो यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई है, ए नॉट निकालना है. तो ए नॉट विल बी ए प्लस के टी. सो ए कितना है भाई, ए हमें दिया 0.5 प्लस के, दैट इज 2×10^-2 इंटू टी. टाइम कितना दिया सेकेंड में, इट इज गिवन एज 25. तो क्या आ गया ये, दिस इज 0.5 प्लस 0.5 या हम बोल सकते हैं 1 बोला. ओके, सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वॉज 1 बोला. क्वेश्चन नंबर 46, द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्स इज दिस द रेट कॉन्स्टेंट. तो ये आ रही, तो माइनस मतलब रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स. तो हमें यहाँ पर के क्या मिल जाएगा, के इज रेट डिवाइड बाय एक्स का कॉन्सेंट्रेशन. रेट क्या है, रेट इज 7.5×10^-4 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई एक्स का, 0.5. तो कितना है ये, दिस इज 15×10^-4 या 1.5×10^-3. ओके, ऑब्वियसली यूनिट इज सेकंड माइनस. एक मिनट रोहन, देखो जल्दी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 25% इन 1 आवर. ठीक है, 25% रिड्यूस होगा तो फ्रैक्शन रिमेनिंग क्या यार, फ्रैक्शन रिमेनिंग इज 25/100. हम बोल सकते हैं 1/4, 1/4 को वी कैन राइट 1/2:2. हम बोल सकते हैं कि दो हाफ लाइफ हो गए. तो दो हाफ लाइफ कितने में हुए यार, दो हाफ लाइफ हुए 1 आवर में. तो हाफ लाइफ पीरियड क्या हुआ, ये हाफ क्या हुआ, हाफ आवर, ये हम बोल सकते हैं 30 मिनट. ओके, एक घंटे में दो हाफ लाइफ पीरियड हो गए, तो हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू क्या आई, 30 मिनट आ गई, या हाफ आवर आ गई ऑब्वियसली. देन क्वेश्चन नंबर 48, हमारे पास रिएक्शन है ए गिव्स बी. तो कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ हमें दिया, ए का कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली कम हो रहा है, बी का बढ़ रहा है. तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम, तो इस टाइप से इसका कम हो रहा है और इसका बढ़ रहा है. तो वो क्या बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे को कट कब करेंगे. तो यार कॉन्सेंट्रेशन मतलब इस पॉइंट पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, है ना. अब देखो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम कब होगा यार, तो ए गिव्स बी, इसके इनिशियल मोल्स ए 0, देन ए माइनस एक्स रिएक्ट कर गया, इसका एक्स बचा, मतलब सॉरी इसका एक्स बन गया. तो ए हमारे पास ए में से एक्स मोल रिएक्ट किया, तो ए माइनस एक्स बच गया इसका, और इसका ऑब्वियसली एक्स मोल बन गया. तो ए माइनस एक्स और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं यार कि ए इज इक्वल टू आ गया 2x,
कि हम बोल सकते हैं x आ गया a by 2, तो x a by 2 आ गया, इसका मतलब क्या आधा रिएक्ट कर गया, तो आधा बचाना, तो ये कौन क्या हुआ यार, जब आधा रिएक्ट कर गया और आधा बचा, इसका मतलब क्या है, हाफ लाइफ पीरियड हुआ ना ये, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दैट इज टी इज टी हाफ, ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो हाफ लाइफ पीरियड के बाद में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट कहां पर करेंगे, ऑब्वियसली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो जिस टाइम पर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है वही वाला टाइम हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 49, नाइन ओ क्लॉक तक लेंगे, ट्राई करेंगे 60 तक फिनिश कराने की, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, फॉर द रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर वेरिएशन ऑफ लॉग टी हाफ, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि टी हाफ जो है इट इज 0.693 अपॉन के फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, तो log t हाफ वर्सेज log a क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा पैरेलल, हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ओके, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन का टर्म आ ही नहीं रहा है, तो कितना ही log a ले लो या कितना ही a ले लो, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट ही बनी रहेगी, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 50, ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन x ऑफ द प्रोडक्ट and time of the reaction, A gives B straight line with positive slope, hence graph between minus dA over dt and time will be, देखो वो क्या बोल रहा है कि x versus t वाला जो graph है ये straight line है इस type से, तो यार x versus t वाला graph straight line किसके लिए आता है, किसके लिए आता है, zero order क्या है ना, ठीक है, तो x वर्सेस t ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है फॉर जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए फिर क्या हो गया, रेट लो, इट इज माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के, है ना, तो अगर ग्राफ हम बनाते हैं माइनस डी ए ओवर डी टी वर्सेस टाइम, मतलब रेट वर्सेस टाइम अगर हम ग्राफ बनाएंगे, तो रेट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, रेट जो है ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट बनी रहेगी ना, वो तो चेंज होगी नहीं, तो हमारे पास रेट वर्सेस टाइम ग्राफ ही आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा आ जाएगा, बिकॉज रेट क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, जीरो ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस टाइम ग्राफ हमने बनाया भी है वैसे पहले, यहाँ पर फिर से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51, In the presence of acid, the initial concentration of cane sugar was reduced to 0.2 to 0.1 molar in 5 hours and 0.01 molar in 10 hours. The reaction must be. So, देखो 0.2 से 0.1 molar होने में कितना time लगा? 5 hour लगा. And then 0.05 molar तक जाने में 10 hour. Obviously, total time जो है वो 10 hour है. मतलब यहाँ पर भी क्या है? 5 hour. तो दोनों हाफ लाइफ पीरियड सेम आए ना, 0.2 से 0.1 गया 5 आवर में और 0.05 तक गया 10 आवर में, है ना, तो दोनों हाफ लाइफ पीरियड क्या है, सेम आए ना, तो बोथ हाफ लाइफ पीरियड आर सेम, मतलब कौन सा ऑर्डर हुआ यार, सारे हाफ लाइफ पीरियड सेम किस में होते हैं, या हम बोल सकते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कब नहीं करता है, कि आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, दोनों हाफ लाइफ पीरियड क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, जीरो ऑर्डर नहीं तो सर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड जो है वो चेंज होता है,
Now question number 52. In the decomposition of N2O5, the rate of reaction is, so minus dN2O5 over dt is equal to k into N2O5. Obviously, ये क्या हो गया? First order हो गया. So for the determination of unit of k, obviously k का unit अगर हमें चाहिए तो यहाँ पर k का unit क्या है? First order है ना? So it will be time raised to minus one, है ना? So correct option कौन सा होगा यार? A option correct होगा, ठीक है? हमें time की unit पता होनी चाहिए, बाकी concentration की कोई भी unit ले लो, फर्क तो पड़ेगा ही नहीं. Because concentration की unit तो आपस में क्या हो जाएंगी? Cancel out हो जाएंगी, ठीक है? अगर हम concentration की unit concentration unit mole per liter भी ले लेते हैं, तो भी वो cancel out होगा. Concentration को pressure के terms में ले लेते हैं, तो भी वो क्या हो जाएगा? Cancel out हो जाएगा. तो यहाँ पर k का जो unit है, it will be time raised to minus one. ये हम बोल सकते हैं कि k का unit just time की unit पर depend करेगा. कि time का unit क्या ले रहे हैं? Second ले रहे हैं, minute ले रहे हैं, या hour ले रहे हैं, क्या ले? Okay, so this was question number 52. Now, 53. तो हमारे पास उन्होंने बोला है कि ये रेट जो है, मतलब रिएक्शन ये है, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी. तो रेट इज इक्वल टू, हम बोल देते हैं, के इंटू ए रेस टू एम और बी रेस टू. तो वो क्या बोल रहा है कि जब दोनों कॉन्सेंट्रेशन, डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इंक्रीजेज रेट बाय 8 टाइम्स. ठीक है, हमारे पास पहले मान लो R था, इट वॉज K इंटू ए रेस टू एम और इसको हम B रेस टू N ले लेते हैं. बाद में दोनों को डबल कर रहे हैं तो ये 8 टाइम्स हो रहा है. तो 8R इज इक्वल टू K इंटू 2A रेस टू M एंड 2B रेस टू N. ठीक है, देन वो क्या बोल रहा है, एंड डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली B. जस्ट बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम डबल करते तो ओनली बी सिंपली डबल्स द रेट. तो उस केस में जस्ट रेट डबल होता है, तो आर की जगह टू आर हो जाएगा एंड ये हमारे पास ऐसे आया. ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री. तो थ्री को अगर हम वन से डिवाइड करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, इधर से आएगा टू आर अपॉन आर इज इक्वल टू 2 raise to n. ये हम बोल सकते हैं कि 2 is equal to आ गया 2 raise to n, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 1 आ गई. ठीक है, और n की वैल्यू अगर 1 आ गई तो अब देखो अब तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2 by 3 भी कर सकते हो. तो 2 by 3 अगर करोगे तो ये क्या आएगा, लेफ्ट साइड में 4 आ जाएगा, राइट साइड में क्या आएगा, देखो राइट साइड में 2 raise to m आ जाएगा. लेफ्ट साइड में 4 आएगा, राइट साइड में 2 raise to m. तो ऑब्वियसली this is 2 is equal to 2 raise to, sorry, 2 raise to 2 equal to 2 raise to m. So m kya aa gaya, m aa gaya 2. So correct option kaun sa hua yaar, so a ke respect mein second order aur b ke respect mein first order. Okay, a ke respect mein second order, b ke respect mein first order, that is b option. Theek hai, so d option yahan par correct ho gaya. ठीक है, या फिर मतलब ये तो हमने कैलकुलेशन मतलब ऐसे पेन पेपर पे करके देखा, बाकी सिंपली दिमाग से भी चीज को कर सकते हो कि यार जस्ट हम बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है, मतलब बी की पावर में 1 होगा. ठीक है, और अगर बी की पावर में 1 है और हम क्या बोल रहे हैं, दोनों को डबल करने पर 8 हो रहा है, तो बी की वजह से डबल हो रहा है और ए की वजह से 4 टाइम्स हो रहा है. तो ए को डबल करने पर रेट अगर 4 टाइम्स होती है, इसका मतलब क्या, ए की पावर में 2 है. ठीक है, तो इस टाइप से दिमाग में भी तुम इस चीज को कर सकते हो, तो टाइम कम लगेगा उसमें. ठीक है, ऑब्वियसली पेन पेपर से करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 54. तो वेंटॉफ डिफरेंशियल मेथड इज एन इंपॉर्टेंट मेथड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस. तो बेसिकली ये देखो क्या है, हमारे पास
यस, सो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, हाँ वही, सो डिफरेंशियल मेथड जो है, तो यहाँ पर dx ओवर dt जो है वो क्या रेट है, ठीक है, और c जो है कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का. तो देखो dx ओवर dt इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट k इंटू c रेज टू n, ठीक है. तो हमें ये n निकालना है कि n क्या होगा. तो देखो जब dx ओवर dt 1 लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, c1 हो गया, और जब dx ओवर dt 2 लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख देंगे, c2. तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई. तो इसको यूज करके, इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज करके हमें n निकालना है. तो n कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, ये dx ओवर dt 1 डिवाइड बाय dx ओवर dt 2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 रेस टू n. अब क्या करें, अब दोनों साइड लॉग ले लें. तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो दिस इज नथिंग बट dx सॉरी लॉग ऑफ, सो लॉग ऑफ dx ओवर dt 1 डिवाइड बाय dx ओवर dt 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देखो n आगे आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड हो गया लॉग ऑफ c1 बाय c2. तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई यार, n क्या आ जाएगा इधर से, n आ गया log of dx over dt 1 divided by dx over dt 2 and then इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे log of c1 by c2 से. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यार, कौन सा करेक्ट आ रहा है, यस दैट इज ऑप्शन सी, सी ऑप्शन यही है ना. सी ऑप्शन यही है ना, यही तो है. वहां पर सी देखो, यहां पर क्या है, सी वन बाई सी टू है, वहां पर सी टू बाई सी वन है, और ऊपर यहां पर क्या है, डीएक्स ओवर डी टी वन बाई डीएक्स ओवर डी टी टू, वहां पर डीएक्स ओवर डी टी टू बाई डीएक्स ओवर डी टी वन है. तो सेम ही हुआ ना वो, अगर तुम इंटरचेंज करोगे लॉग के अंदर वाला पार्ट तो नेगेटिव साइन आगे आएगा, तो ऊपर भी नेगेटिव साइन आएगा, नीचे भी नेगेटिव साइन, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी हो जाएगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 55. The inversion of cane sugar proceeds with half-life of 600 minutes at pH equal to 5. तो देखो जब H positive concentration क्या है, 10 raised to power minus 5 है, तो T half क्या है, it is 600 minutes. और जब H positive concentration जो है, ये 10 raised to power minus 6 है, तो T half क्या है, 60 minutes. तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि यार हमने यहाँ पर देखो H positive concentration को 1 by 10 किया, तो T half भी 1 by 10 हो गया, मतलब T half is directly proportional to आ रहा है H by H, मतलब H positive concentration के. तो ये इसका मतलब क्या हुआ, T half directly proportional to concentration कब होता है, जब हमारे पास क्या होता है, zero order reaction होता है, ठीक है. तो it is zero order with respect to H positive, तो H positive के respect में zero order हो गया. इसके अलावा sugar के respect में क्या है, तो देखो इसके लिए क्या है, the inversion of cane sugar proceeds with the half life of 600 minute at pH equal to 4 for any concentration of sugar. Okay, sugar का कोई भी concentration ले लो, तो T half जो है वो sugar concentration पे depend ही नहीं कर रहा है, T half is independent upon sugar concentration. तो इसका मतलब क्या है, तो T half जो है वो sugar concentration पे depend ही नहीं कर रहा है,
इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया विद रिस्पेक्ट टू शुगर, ठीक है, शुगर के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो रेट क्या हुआ भाई, रेट इज इक्वल टू के इंटू शुगर रेस टू वन एंड एच पॉजिटिव रेस टू जीरो। ओके, मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 56। तो ए को डबल करने पर रेट डबल हो रही है, ठीक है। तो अब रेट को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन रेट राइट रेट एज के इंटू ए रेस टू एम बी रेस टू एन एंड सी रेस टू पी लिख देते, चलो ठीक है। सो ए को डबल करने पर रेट डबल हो रही है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, टू रेस टू वन इज इक्वल टू, या चलो ऐसे लिख देते पहले रेट को, या फर्स्ट वाले पार्ट से हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट से हम बोल सकते हैं कि एम की वैल्यू क्या है, वन। क्यों, क्योंकि बी और सी को कांस्टेंट रख रहे हैं और ए को डबल कर रहे हैं, तो रेट क्या हो रही है, डबल हो रही है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पार्ट से देखो हम क्या लिख सकते हैं, जब हम सी को 1.5 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट कितना टाइम्स हो रही है, 2.25 टाइम्स हो रही है। सी को 1.5 टाइम्स कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर क्या होता है, 2.25 होता है ना, तो वहां से हम बोल सकते हैं कि पी की वैल्यू क्या है, 2 है। वॉट अबाउट सेकंड, तो सेकंड से देखो क्या है, वो बोल रहा है कि जब हम बी को हाफ करते हैं और ए और सी को कांस्टेंट रखते हैं तो रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एन क्या आ गया, ठीक है। तो यहां पर हम देखो फर्स्ट वाले से क्या बोल सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, थर्ड वाले से क्या बोल सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी रेस टू टू, एंड लास्ट वाले से क्या बोल सकते हैं कि रेट जो है वो इंडिपेंडेंट अपॉन एन है, सॉरी बी है। ठीक है, मतलब n की वैल्यू क्या है, 0। तो अपने पास ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, इट इज k इंटू ए रेस टू वन एंड c रेस टू टू, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया ना, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज c। क्वेश्चन नंबर 57। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है उन्होंने, और विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वुड यील्ड ए रिजल्ट। तो देखो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303, ये होता है ना। तो log of a वर्सेज t वाला जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है विद नेगेटिव स्लोप, है ना। स्लोप क्या होती है, स्लोप इज माइनस k अपॉन 2.303। नाउ कॉन्सेंट्रेशन को ऑब्वियसली प्रेशर से रिप्लेस किया जा सकता है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट से, तो a ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस करेंगे तो log of प्रेशर ऑफ N2O5 वर्सेस टाइम विल बी नेगेटिव स्लोप आल्सो, ठीक है। स्लोप अभी भी क्या हो जाएगी, इट विल बी माइनस के अपॉन 2.303। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन को किससे रिप्लेस किया है, प्रेशर से रिप्लेस किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रिएक्शन ए गिव्स बी एट डिफरेंट टाइम आर गिवन। तो देखो स्टार्टिंग के 17 मिनट में कितना रिएक्ट किया,
0.017 ओके रोहन जल्दी देखो तो क्वेश्चन नंबर 59 में 58 में स्टार्टिंग के 17 मिनट में कितना रिएक्ट किया 0.017 रिएक्ट किया है उसके अगले 17 मिनट में कितना रिएक्ट किया है फिर से 0.017 रिएक्ट किया है तो देखो फिक्स टाइम में फिक्स मतलब हर 17 मिनट में इन ईच 17 मिनट 0.017 मोलार इज रिएक्टेड दैट इज कॉन्स्टेंट रेट तो कॉन्स्टेंट रेट है इसका मतलब क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओके और के कैसे निकाल सकते हैं तो के निकालने के लिए ऑब्वियसली क्या करोगे ए नॉट माइनस ए अपॉन टी करोगे तो वहां से के आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ये सो ए नॉट इज 0.069 माइनस ए इज 0.052 अपॉन टाइम टेकन इज 17 तो कितना आ गया ये 0.017 अपॉन 17 या हम बोल सकते हैं 0.001 ठीक है सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 58 ऑब्वियसली विच ऑप्शन इज करेक्ट ए ऑप्शन जीरो ऑर्डर है एंड 0.001 जो है के हो गया नाउ क्वेश्चन नंबर 59 तो 59 में देखो 0.25 अपने पास रेट है इज इक्वल टू के इंटू वन रेस टू हम ले लेते हैं एम ठीक है ए के रेस्पेक्ट में एम ऑर्डर ले लिया और बी के रेस्पेक्ट में एन ऑर्डर ले लिया तो एक इक्वेशन ये आ गई फिर हमारे पास 0.50 इज इक्वल टू के इंटू टू रेस टू एम एंड वन रेस टू एन एंड देन 0.25 इज इक्वल टू के इंटू वन रेस टू एम एंड 2 raise to n, ठीक है? So this is equation 1, this is 2, and this is 3. तो अगर हम 2 by 1 करते हैं, ठीक है? हम देख सकते हैं कि obviously हमने just क्या किया है? A को double किया है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 is equal to हो गया 2 raise to m. तो obviously m की value क्या आ गई? M की value आ गई 1, ठीक है? And अगर हम यहाँ पर 3 divide by 1 करते हैं, तो left hand side 1 आता है और right hand side 2 raise to n आता है. यहां से हम देख सकते हैं कि n की वैल्यू जो है वो क्या है जीरो है तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a ऑल a ओनली है ना तो रेट इज इक्वल टू k इनटू a सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 59 नाउ लास्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लेक्चर एंड करेंगे ठीक है लास्ट क्वेश्चन लेक्चर एंड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है लॉग ऑफ अच्छा फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लॉग ऑफ ए टी वर्सेस टी तो ये तो ऑलरेडी हमने बताया है तुम्हें कैसा होता है भाई लॉग ऑफ ए टी मतलब लॉग ए वर्सेस टी ग्राफ कैसा होता है नेगेटिव स्लोप के साथ होता है स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या थी माइनस के अपॉन 2.0 यही होती है ना ओके सो विच ऑप्शन इज करेक्ट नेगेटिव स्लोप एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट डी ऑप्शन करेक्ट है ना ठीक है नॉन जीरो इंटरसेप्ट है एंड नेगेटिव स्लोप ओके सो दैट्स इट आज का फिर हम यहीं पे लेक्चर एंड करेंगे 60 के बाद वाला नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे ओके सो बाय टेक केयर